मोस्टली आप लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम कॉपी राइटिंग को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग को हम किस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कोई कॉपी राइटिंग के अलावा कोई स्किल नहीं है तो क्या उसकी कोई वैल्यू है, क्या हम पैसा कमा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको डिफाइन करूँ, कॉपी राइटिंग इट्स नॉट अ स्किल, ये स्किल नहीं है, कॉपी राइटिंग स्किल नहीं है, इट्स लाइफ स्टाइल। जो चीज़ लाइफ स्टाइल होती है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, यू कैन इग्नोर अ स्किल बट आप लाइफ स्टाइल इग्नोर नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ, और इम्पैक्ट करेगी जिससे आपको नुकसान होगा वो वाला इम्पैक्ट। अच्छा, मैं जो सिखा रहा हूँ कॉपी राइटिंग, जो लोगों ने सीख रहे हैं मुझसे, सेलिंग सीख रहे हैं, ठंडी वाली ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो इनरोल कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा? वो क्वेश्चन मोस्टली लोग पूछते हैं कि लेट अज्यूम कि हमारे पास कोई दूसरी और स्किल नहीं है और हमें कॉपी राइटिंग आती है, वी नो हाउ टू सेल। अगर आपको कॉपी राइटिंग आती है, यू नो हाउ टू सेल योर सेल्फ, तो आप कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो आपको कहता है आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख दें, आप उसको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं इफ़ यू नो एंड इफ यू लर्न कॉपी राइटिंग। आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे प्रोडक्ट किसी भी होम पेज का कॉन्टेंट लिख दें, यू कैन राइट इफ़ यू आर कॉपी राइटर, आप लिख सकते हैं। आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है जिस मुझे वीडियो का स्क्रिप्ट लिख दें, अगर आप एक कॉपी राइटर हो आप उस वीडियो का स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे फाइवर की गिग की डिस्क्रिप्शन लिख दें, आप उससे अगर एक कॉपी राइटर है तो आप उसको गिग की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, उसको टाइटल लिख के दे सकते हैं, उसकी गिग की इमेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, उस इमेजिंग का जो टेक्स्ट लिखा होगा वो आप लिख के दे सकते हैं। यानी इमेज डिज़ाइन करने का मतलब कि इमेज बनाना तो बहुत आसान है, कोई भी डिज़ाइनर एक अच्छा सा इमेज बना सकते हैं, पर उस पर जो कंटेंट लिखा होता है जिसकी वजह से ऑडियंस अट्रैक्ट होके एक्शन लेती है, कोई भी एक्शन, चाहे आप साइन अप करवाते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करवाते हैं अपने, या पेमेंट करवाते हैं, कोई भी एक्शन, वो इम्पॉर्टेंट होता है। हमेशा याद रखें इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक अच्छी खूबसूरत वेबसाइट इट डजंट सेल, वो आपके प्रोडक्ट नहीं बेचेगी, मगर एक बुरी वेबसाइट इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन और उसमें कॉन्टेंट अगर अच्छा हो, यू इफ़ यू आर अ कॉपी राइटर और आपको पता हो कि क्या लिखना है, तो वो आपको उस मिलीनियर बना सकती है। इवन एक अच्छा किसी क्लाइंट के लिए आप एक सेल्स लेटर लिख सकते हैं, आप किसी के लिए फेसबुक एड लिख सकते हैं, फेसबुक एड की जो क्रिएटिव है यानी जो डिज़ाइन है उसके ऊपर कॉन्टेंट लिख सकते हैं, उसके लिए वीडियो डिज़ाइन कर सकते हैं, आप किसी के लिए प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, उसने क्या 2 घंटे बोलना है आप वो उसको बना के दे सकते हैं, इस फुल स्क्रिप्ट। इमेजिन कि आप किसी को किसी भी स्पीकर की आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं 2 आवर्स की, इमेजिन एज अ कॉपी राइटर अगर आपको कॉपी राइटिंग आती है, आप उसकी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करते हैं किसी पब्लिक स्पीकर का, फॉर एग्जाम्पल, आप कितना अर्न कर सकते हो, इमेजिन हाउ मच। मेरा एक स्टूडेंट अवकाशा, उन्होंने मैसेज किया कि सर मैं आपको 2 मिनट की कॉल करता हूँ। मैंने कहा मैं बिजी हूँ, संडे है, मेरे बच्चे की बर्थडे है, पर उसने मुझे कहा सर मैं कॉल करना चाहता हूँ। जब कॉल की तो उसने मुझे ये गुड न्यूज़ दी कि सर मैंने इवेंट से आते ही 1 लाख PKR का क्लाइंट क्लोज किया और उसने मुझे कैश अमाउंट सेंड किया। नई मंजम नाम है उनका, उन्होंने मुझे ये बताया कि सर मैंने $1,000 का क्लाइंट को क्लोज किया, विन किया प्रोजेक्ट। इमेजिन ये सब कुछ आपको आता है, और साथ अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो आप कितने क्लाइंट्स जनरेट, कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप एक PHP डेवलपर हो, व्हाट्सएप में डेवलपमेंट करते हो, कस्टमाइजेशन करते हो, विक्स में काम करते हो, पर आपको क्लाइंट्स जनरेट करना नहीं आता, आपको क्लाइंट्स को लाने नहीं आता, क्लाइंट्स को कॉल पर लेते हुए आप उनको लूज कर देते हो। क्लाइंट्स जो होते हैं वो आपको लो बजट क्लाइंट्स मिलते हैं, उनको हाई कैसे करना है, ये सब कॉपी राइटिंग में आप सीख सकते हो। और यही मेरे स्टूडेंट्स की बार बार कहने पर मैंने एक प्रॉपर एक पूरा एक लाइफस्टाइल जो है उसको मैंने कॉम्पैक्ट करके मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है डिज़ाइन किया। इमेजिन कि अगर आप ये सीखते हो तो आप कितनी धूम मचा सकते हो। जब मैंने एक स्टूडेंट एक दिन में 1 लाख बना सकता है तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं? आप 10 भी बना सकते हो, आप 20 भी बना सकते हो, इट्स डिपेंड कि आप क्विट ना करें, आपका एम क्या है। पैसा कमाना एम नहीं होना चाहिए, इट्स अबाउट यानी आप 1 लाख रुपए कमा लो, उससे फिर 10 पहुंच जाओगे, 10 से 20 पहुंच जाएंगे, ठीक है। आपका एम होना चाहिए बड़ा एम, यानी लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करो। लोगों के लिए कैसे वैल्यू आप क्रिएट कर सकते हो,
इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन योर लर्निंग और आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट स्टेप जाएं, चाहे अगर 5,000 कमा रहे हो, 500 कमा रहे हो डॉलर, 1,000 कमाना चाहते हो और 1,000 कमा रहे हो तो 2,000 कमाना चाहते हो, 2,000 कमा रहे हो तो 3 कमाना चाहते हो, 10,000 कमा रहे हो, 5,000 कमा रहे हो 10 कमाना चाहते हो, 10 कमा रहे हो तो 50 कमाना चाहते हो, तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज़रूर इन्वेस्ट करें। क्योंकि ऑलरेडी आप मुझे जानते हैं कि मैं कितने स्टूडेंट्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर चुका हूँ, वो लोग अर्निंग शुरू कर दी उन्होंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर। इमेजिन कि अगर आप ये सीखते हैं ये स्किल जो कि लाइफस्टाइल कहलाती है, तो आप अपनी लाइफ में कितनी चेंजेस ला सकते हैं। और ना सिर्फ आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाते हैं, हमेशा आपको जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, चाहे वो पर्सनली हो या आपके इंडिविजुअल हो या आपके बिजनेस सर्कल में आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तो आपसे कनेक्टेड जो जो आपके माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे कनेक्टेड होते हैं, वो सब इम्प्रूव करते हैं क्योंकि आप इम्प्रूव कर रहे हो।